आगे बढ़ने से पहले आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग हो रही है, किसान बिल के विरोध में ये बैठक है। कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री कार्यकारी अध्यक्ष जुड़े हैं इस बैठक में। शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लोगों को कंडोलेंस दे सकें कम होगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये हरित क्रांति इंदिरा जी के जमाने में देश में लाई गई थी, इस हरित क्रांति को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा और राज्यसभा में काले कानून पास करवाए उसका उसकी खिलाफत देश के जितने किसान हैं खुलकर सड़क पर आकर विरोध कर रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी साफ तौर पे खड़ी हुई है। पे भ्रमिक प्रचार भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को बताना चाह रहे हैं। कुछ चंद पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा कि इस काले कानून को किस तरह इस देश में भारतीय जनता पार्टी किसानों के हमारे जो अन्नदाता हैं जो इस रीढ़ की हड्डी इस देश के हैं उनको बिल्कुल समाप्त करने को उनका भविष्य अंधकार में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के इन तीन काले कानूनों ने किया है। हमें लगा कि किसानों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी समझेगी, उनकी जिम्मेदारी प्रति किसानों के प्रति उनकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के तरफ जरूर दिखाई देगी, परंतु जिम्मेदारी न दिखाकर जमींदारी प्रथा फिर से भारतीय जनता पार्टी इस देश में 70 सालों बाद जमींदारी प्रथा फिर से लागू करने के लिए इन तीन काले कानून को लाने का उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया है। मैं कुछ पॉइंट्स पे आपको बात अपनी रखना चाहूंगा, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब अवश्य दूंगा। पहले इस कानून के अंतर्गत जो एपीएमसी हैं, जो मंडी समितियां हैं उनको समाप्त करने का कानून इनका इस कानून के माध्यम से साफ तौर से लगता है। 40,000 मंडियां इस देश में हैं, उन सारे मंडियों को समाप्त करके जो छोटे किसान हैं, आपको साफ तौर से मना है कि इस देश में छोटे किसान 86% लोग 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं और 60% से लोग कम 2 एकड़ जमीन जोतते हैं। तो अगर मंडी उनके जमीन के पास नहीं होगी तो आम गरीब आदमी अपनी उपज कहां बेचे। यही अगर आप बिहार में देखें तो 2006 में बिहार ने यही एपीएमसी मंडी की प्रथा 2006 में जो एनडीए की सरकार थी बिहार में उन्होंने इसको समाप्त कर दिया गया। और सबको मालूम है बिहार में किसानों का हाल क्या है कि बिचौलिया जो गरीब किसान है उनका सारा अनाज कम दामों पे खरीद लेते हैं। एमएसपी जो एक गारंटी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम जो उसका एक एमएसपी है उस पे इस कानून पर कहीं भी सरकार ने उसको मैंडेटरी नहीं बनाया है कि एमएसपी इस कानून में साफ तौर पे सरकार लिख देती है कि एमएसपी जो है वो लागू रहेगा, उसके नीचे कोई भी व्यक्ति ना गेहूं ना धान खरीद पाएगा या कोई तिलहन का सामान या दलहन का सामान एमएसपी के नीचे नहीं खरीद पाएगा। ये एमएसपी में कहीं भी इस कानून में नहीं लिखा गया है। इसके माध्यम से इससे क्या होगा, दूसरा जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं, जब इसका एमएसपी जब कानून नहीं होगा तो बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े बिचौलिया दाम पर उनका पूरा जोड़ रहेगा। अगर वो एमएसपी से कम भी देना चाहें तो गरीब जो 2 एकड़ 4 एकड़ 3 एकड़ 1 एकड़ 1 डिसमल का जमीन जोतने वाला है वो कहां जाएगा अपनी जमीन बेचने के लिए जब एमएसपी ही लागू नहीं हो पाएगी। एक चीज साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कह रहा है कि किसान तो अपना फसल अब कहीं भी बेच पाएगा। अरे वो तो आज भी बेच सकता था, किसान आज भी अपना जो फसल थी वो कहीं भी बेच सकता था। जो आदमी के पास 2 एकड़ जमीन है, जिसके पास जो गढ़वा में रहता हो, जिसके पास बस का भाड़ा नहीं होता है रांची तक आने के लिए, तो क्या वो गढ़वा का किसान
क्या वो पलामू का किसान वहां जाके पंजाब में गेहूं बेचने जाएगा, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ये तो सरकार बताए हमें। जिसके पास एक एकड़ दो एकड़ है, जिसके पास बस का भाड़ा नहीं होता है रांची तक पहुंचने का, वो आदमी अपना अनाज पंजाब और हरियाणा और तमिलनाडु में ले जाएगा बेचने के लिए। ये ढकोसला है, लोगों को इस तरह बरगलाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। जब मंडी सिस्टम, मैंने जैसे पहले ही कहा कि 40,000 मंडियां इस देश में, उस मंडियों पे तमाम हमारे पोलदार, हमारे जो हमारे फार्म लेबर हैं, उस पे जो लेबर, उसमें जो कमीशन एडर एजेंट्स हैं, लोडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, इन सब की नौकरियों का क्या होगा? जो लोग बेचारा अनाज एफसीआई गोदाम में लोड करते हैं, वो लोडर और लेबरर जो है, मजदूर है, उसकी रोजी रोटी ये सरकार कहां से देगी? उन सबकी 40,000 मंडियों को जब समाप्त करने की बात आएगी, तो वहां लाखों लाख लोग कमीशन एजेंट का काम करते हैं, लोडर का काम करते हैं, पल्लेदारी का काम करते हैं, लेबर का, मजदूरी का काम करते हैं, उन सबकी रोजी रोटी कहां जाएगी? पांचवी चीज, मंडी जब तक स्थापित था तब तक उसमें मंडी पर कमीशन लगता था। ये भी एक भ्रामक प्रचार हो रहा है कि मंडी का कमीशन जो है किसान पैसे देता था, ये बिल्कुल ही गलत है। किसान कोई भी पैसा मंडी पर नहीं देता था, जो भी टैक्स देता था वो एफसीआई देती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को। स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर अनाज उठाने पे जो भी पैसा होता था, पंजाब का आप ले लीजिए एग्जांपल, तो उसको पिछले साल 730 करोड़ रुपए कमीशन की वजह से, एमएसपी के माध्यम से, मंडियों के माध्यम से 730 करोड़ रुपए मिले, जो वो 730 करोड़ रुपए इन मंडियों के रास्ते, इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए ही खर्चा करते। रोजाना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, हमारे वित्त मंत्री भी रमेश्वर उरांव जी यहां है, जो सरकार के पैसे प्रदेश तक पहुंचने चाहिए उनको रोजाना कटौती करने का काम भारतीय जनता पार्टी का की सरकार कर रही है। ये एक और मार किसान, मीनिंग प्रदेश में जो पैसे प्रदेश सरकार को, किसानों को, क्योंकि किसान कृषि तो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इस पैसों से डेवलपमेंट मंडियों की होती थी, किसान के मार्केट प्रैक्टिसेस के लिए होती थी। ये पैसे जो उठते थे ये किसानों के लिए ही ग्रामीण इलाकों में लगाए जाते थे, ये पैसा भी समाप्त करने का काम, इन मंडियों को समाप्त करने के तरीके से भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। साफ तौर से एक रिपोर्ट, एक जो सबसे बड़ी चीज है, एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई थी जिसका नाम था जो शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट थी। छठी चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं कि शांता कुमार कमेटी एक रिपोर्ट पेश किया था जिसमें साफ तौर से कहा था कि अगर एमएसपी बंद कर दिया जाए तो केंद्र सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपए का हर साल बचत होगी। इससे साफ तौर से ये एक ऐसा कानून है कि वो जो शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है उसके माध्यम से ये उस रिपोर्ट को लागू करना चाहती है, मंडियों को समाप्त करके, एमएसपी को समाप्त करके केंद्र सरकार 1,00,000 करोड़ रुपए जो किसानों का हक है उसको समाप्त करने के लिए साफ तौर से इस कानून को लागू किया जा रहा है। सातवां, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी किसानों के प्रति हटाने से वो जमींदारी प्रथा लाने की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या बड़ा हुआ कि बड़े बड़े उद्योगपति आकर किसानों से उनकी जमीन का प्रोड्यूस लिखवा लेंगे, वो कानूनी तौर से लिखवा लेंगे, जो बेचारा आधा एकड़, एक एकड़, डेढ़ एकड़ जो खेत जोतता है उसको 50 दस्तखत करके, उसको क्या मालूम हो क्या दस्तखत कर रहा है क्या नहीं दस्तखत कर रहा है, उसकी जितनी आमदनी होगी वो बिल्कुल बड़े उद्योगपतियों के हाथों में कानून के व्यवस्था में फंस कर रह जाएगी। तो ये जमीन का जो उसका उपज होगी वो पहले ही बड़े बड़े कंपनियों को बेच देगा, और वो किस पौने दौमे पैसे में खरीदेगा ये किसी को पता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही साफ तौर से कहा था कि 86% लोग इस देश में 5 एकड़ से कम जमीन उनके पास है,
और 60% लोगों के पास तो 2 एकड़ से कम जमीन इस देश के पास है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बड़ा आदमी, उसके यहाँ बड़े उद्योगपति आके उनके वकील उनसे क्या क्या दस्तखत करवा जाएंगे, उसको आधा समझ में आएगा या नहीं आएगा, ये आपसे मैं से बेहतर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं समझेंगे। और आठवीं और आखिरी चीज जो इस कानून की वजह से होगा कि आपने देखा कि अभी प्याज के दाम कैसे बढ़ गए हैं, आलू के दाम कैसे बढ़ गए हैं, जब इन्होंने कर देगा कि कोई प्राइवेट प्लेयर सामान सीधे किसानों से खरीद लेगा तो सबसे ज्यादा जमीन ये कौन सामान खरीदेगा, जो हॉर्डर होते हैं और ब्लैक मार्केटियर होते हैं, क्योंकि वो सस्ते दामों में इन सारे चीजों को हजारों हजार क्विंटल अब उनको छूट हो गई है, और इनका जब मन आएगा, जब दाम भागने लगेगा, तब धीरे धीरे निकालेंगे। तो इस कानून से आम आदमी, जो किसान नहीं है, जो आम गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, उसके लिए ये सारी चीजों का दाम ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग की वजह से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो साफ तौर से अगर आप देखें तो ये कानून जो है जिम्मेदारी से हटाकर जमींदारी प्रथा की ओर ये तीनों ये सारे कानून, काले कानून लेके जा रहे हैं। साफ तौर से कांग्रेस ने इसमें तरीके एक पूरा योजना नवंबर तक बना रखा है कि किसानों के हक के लिए कोई भी कदम कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़े तो किसान के लिए कांग्रेस पार्टी उनके कंधे से कंधे मिलाकर, और पूरे देश में और उसी तरह झारखंड में भी ये कार्यक्रम होने जा रहा है, उसका मैं जल्दी से बता दे रहा हूं। 28 तारीख को एक डिजिटल स्पीकअप इंडिया, एक 26 सितंबर को एक ऑनलाइन स्पीक अप इंडिया कैंपेन पूरे देश में चलेगा, जिसमें झारखंड के लोग भी इसका पूरे तरीके से इसको आगे ले चलने का काम करेंगे। 28 तारीख को स्टेट हेडक्वार्टर्स पर पूरे देश में हर स्टेट में हर पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर्स, बाकी जो हमारे मंत्री, एमएलए, एक्सएमपी सब लेके महात्मा गांधी के स्टैचू पर राजभवन के सामने धरना देंगे, और 28 तारीख को धरना के बाद एक मेमोरेंडम महामहिम को पेश किया जाएगा 28 सितंबर को। वही 2 अक्टूबर 2020 को जो महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी है और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की के दिन, जिन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया था, उनके दिन हम एक किसान मजदूर बचाओ दिवस की तौर पे बनाएंगे। हम इस पे धरना प्रदर्शन पूरे पीसीसी से लेके डीसीसी से लेके ब्लॉक लेवल तक इसका कार्यक्रम करेंगे। इसमें सारे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं अलग अलग जिलों में जाकर इन धरनाओं को, इन प्रोटेस्ट का, इसको लीड करने का काम 2 अक्टूबर का जो महात्मा गांधी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के को हम मनाते हैं, इस दिन पूरे देश में और झारखंड के हर ब्लॉक पर यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। 10 अक्टूबर को सम्मेलन, 10 अक्टूबर को किसान सम्मेलन हेडक्वार्टर पे किया जाएगा, जिसमें तमाम विभिन्न किसानों से सम्मेलन में वार्तालाप और उनको समझाया जाएगा कि क्या क्या इससे लेकर हो रहा है। और एक सिग्नेचर कैंपेन 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, जो महात्मा गांधी जी का हम मनाते हैं, 31 अक्टूबर तक फार्म एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया जाएगा, जो 14 नवंबर तक AICC में कलेक्ट होगा, और ये कम से कम 2 करोड़ सिग्नेचर पूरे देश में हम किसानों को लेकर राष्ट्रपति को फाइनली हम लोग इसको पेश करेंगे कि इस कानून को किसी ना किसी भी तरीके से हटाने की आवश्यकता अवश्य है। तो आपको जैसे हमने बताया कि इन कानून के अंतर्गत क्या क्या दिक्कतें हैं किसानों को, और किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने ये काला कानून लाकर किसानों की भविष्य को अंधकार में डाला है, और कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर तक किस तरह इनको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अब कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो मैं साफ तौर से तैयार। राजेश, एक एक करके प्लीज। हेलो हेलो
राजेश जी जी एक कोई सवाल अगर कोई पूछ आशीष झा जी हैं, आप जागरण से हैं, अगर कोई सवाल है तो आप बात करें। जी नमस्कार, नमस्कार, मैं आशीष बोल रहा हूँ दैनिक जागरण से। नमस्कार झा जी, एक सर छोटा सा सवाल था हमारा। कांग्रेस ये आशंका व्यक्त कर रही है कि एमएसपी खत्म हो सकता है, इस आशंका को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने एमएसपी का प्राइस बढ़ाया अभी रिसेंटली, तो क्या इसमें साजिश देखते हैं या ये देख रहे हैं कि बात गलत है? नहीं, देखिए साफ तौर से झा साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या इस देश के सामने कहा तो उनकी बातों पे अगर विश्वास करना था, अगर वो रोजाना टेलीविजन एड्स और अखबारों और ट्विटर साफ कह रहे हैं कि हम एमएसपी नहीं समाप्त करेंगे तो इसको कानून में लागू कर देंगे कि एमएसपी लागू रहेगी और किसी किसान को एमएसपी से नीचे दाम पे अपना उपज नहीं बेचनी होगी। बहुत सिंपल चीज, इस कानून के अंदर साफ तौर से लिख सकते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। तो ये पार्लियामेंट में पास हुआ ना कि हुआ, ये कहना कि मैं 15 लाख रुपए आपको दूंगा, क्या आपको मिला झा साहब? 2 करोड़ नौकरी हर महीने हर साल दूंगा, क्या आपको मिले झा साहब? तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं और क्या होता है, ये कानून है। तो कानून में प्रावधान है, उसमें साफ तौर से वो कह रहे हैं कि ये एमएसपी नहीं समाप्त होगी। तो हम तो सिंपली कह रहे हैं कि आप एमएसपी इसमें लिख दीजिए कि एमएसपी नहीं समाप्त होगी और किसानों को कहीं भी बाध्य होकर एमएसपी से नीचे दाम नहीं देने रहेंगे, तो ये एक सुरक्षा कवच किसानों के लिए होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है जा सकती। जी 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 धन्यवाद आशीष जी। अब सतीश जी हैं प्रभात खबर से। हाँ नमस्कार सर, सतीश बोल रहे थे प्रभात खबर से। नमस्कार सर। हाँ, एक चीज जानना था कि यहाँ आपकी सरकार के 8 महीने हो चुके हैं और चुनाव अभी 2 चुनाव भी होने, तो क्या एजेंडा रहेगा पार्टी का चुनाव में? सतीश जी, साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सिर्फ ये किसान बिल पर लिख रखा है। मैं 2-4 दिनों में झारखंड में स्वयं उपस्थित होऊंगा। इन सब सारे जो बाकी सवाल आपके हैं इनको मैं, क्योंकि 2-4 दिन रहूंगा झारखंड में, तो आप मुझसे कभी भी मिलके इन सारे आपके जो बाकी सवाल है उनका जवाब मैं स्पष्ट तौर पे अवश्य दूं। हेलो सर, आशीष बोल रहा हूँ फिर से। आशीष फिर से बोल रहा हूँ। सर, ये लगातार यहाँ देखने को मिला है धान खरीद होती है किसानों से पर उन्हें भुगतान में लगातार मतलब हमेशा 1-2 साल हो जाता है, अभी भी पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ है कई जगह पे, तो क्या कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी जो एमएसपी भी मिले और समय पे भी मिले? बिल्कुल करेंगे। मैं पिछले बार जब आया था उसमें अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना के ये कोविड के महामारी से जो बाकी चीजें थे उस पर हमने नहीं किया, परंतु साफ तौर पे इन सब चीजों पर मैं आके रिव्यू भी करूंगा जो हमारे मंत्री हैं जिन उन जिन पे कर रहे हैं और इस पे भी जरूर चर्चा अवश्य होगी। जी गौतम मजुमदार जी। हाँ गौतम मजुमदार जी, हिंदुस्तान टाइम, वो न्यूज 11 के उपाध्याय जी भी उठा रहे हैं हाथ। विपिन उपाध्याय आप पहले, मजुमदार साहब आप बताएं। गौतम जी, राजेश जी, गौतम जी अनम्यूट कीजिए। मजुमदार साहब, मजुमदार साहब अनम्यूट कीजिए। मजुमदार साहब आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ पहुंच रही, बोलिए। अच्छा, एक्चुअली सवाल नहीं है, डाउट है, इसको क्लियर, ये क्लियर करने के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ। आपने बताया ना कि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो अगर वो स्टेट सब्जेक्ट है तो सेंट्रल का ये बिल जो है इसका असर स्टेट पर कितना पड़ेगा, क्योंकि एमएसपी का निर्धारण तो यहाँ पर स्टेट भी कर सकती है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरपीएन सिंह ये बता रहे थे कि कृषि बिल में कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं, उस पर वो चर्चा कर रहे थे। वो लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे थे।